मेरा नाम है शर्मिला डे, मैं आर्टिस्ट हूँ और आप मुझे देख रहे हैं बजूका टीवी पर। हिम्मत कैसे हुई आप सबकी इससे इस तरह से बात कर रही? ये मेरी पत्नी है, आदित्य अवस्थी की वाइफ, समझ आ रहा आपको? मेरी पत्नी है ये, और अगर पकड़वा के चलते आप सबको इसके सुहाग में शक है, इस पे डाउट है, इसके सवाल उठा रहे हैं आप सब, तो आज मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं, सारे समाज के सामने, सारे बेरोसरिया के सामने, आप सबके सामने, 15 दिनों में मैं इससे शादी करूंगा, हर रीत रिवाज, हर रस्म के साथ, सारे के सारा बेरोसरिया आमंत्रित है। बाप करते हैं सब लोग, और हां एक बात और, अगर ऐसे किसी प्रोग्राम में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं तो मुझे वहां नहीं रहना, समझे आप सब? बहुत अच्छी हूँ, और मेरा नाम शर्मिला है, इंडस्ट्री में हूँ पिछले 7-8 साल से, और ये इस जबरिया में मैं काम कर रही हूँ। इसमें मेरा थोड़ा नेगेटिव रोल है, पकड़वा शादी के ऊपर है जिसमें मुझे बोलना था, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी मैं टेलीकास्ट के समय, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ जी, ये शादी हो रही है एक गांव में, बेगूसराय करके बिहार में एक गांव है, वहां पे एक शादी का आयोजन हुआ है, जहां पर यहां इस सीरियल के जो मेन कैरेक्टर है वो लोग शादी में आए हैं, जहां पर मुझे पता चलता है कि पकड़वा विवाह करके एक लड़की आई है यहां पे, और मुझे एक सीन क्रिएट करने को कहा गया था, तो वो सीन मैंने क्रिएट किया है। अभी सीन को क्रिएट करने के बाद इसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये आपको एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा। इस तरीके से आपने झाड़ा है बिल्कुल भी, वो मुझे लगता है गुलकी अंदर से भी डर चुकी है। ऐसा नहीं है, हम सब लोग आर्टिस्ट हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में पहले से डिस्कस कर लेते हैं, और कभी कभी हम एक दूसरे को सॉरी भी बोल देते हैं कि हम ऐसा बोलने वाले बुरा मत मानना। हाँ, तो उससे क्या होता है ना, हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसको भी मालूम होता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे भी मालूम है कि उसको बुरा नहीं लगेगा, तो हम खुल के फिर बोल पाते हैं, ऐसा है। ये तो ये भी सीक्रेट है, अभी आदित्य कुछ करने वाला है, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, ये आदित्य का सब प्लानिंग चल रहा है उसका, तो ये भी एक उसके प्लानिंग का पार्ट था, उसने मुझे बोला कि आप ऐसे सीन क्रिएट करो, एक्चुअली उसने मेरे गिरवी रख घर को कर्जा मुक्त कराया, उसके बदले में मैंने ये किया, जो भी सीन मैंने यहाँ पे किया। अभी सीन का फ़ायदा आदित्य कैसे उठाएगा ये आपको सीरियल देखने पर ही पता चलेगा।